When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. With your love, find my rest, and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love can make my heart beat. You hold my world again. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो कल हम गांव पे गए थे, तो वहाँ देखने गए थे क्या क्या काम अभी तक हो चुका है, क्या चल रहा है। तो रात को आ गए थे वहाँ से, तो ये सुबह का वक्त है। मैं कुछ चीज़ें, कपड़े जो मैंने पुराने कबर्ड से निकाले हैं, उनमें से कुछ निकाले हैं मैंने कि इनका क्या क्या हो सकता है, तो वही चेक कर रही थी मैं। ये आ गई मैं किचन में, और किचन में आने के बाद मैं आज एक बहुत ही अच्छी सी स्पेशल सी भिंडी बनाऊंगी, बिल्कुल ढाबे वाली स्टाइल में। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल डाल के और ज़ीरा वगैरह डाल दूंगी मैं इसमें, और जब तक ये क्रैकल नहीं हो जाएंगे। थोड़ा सा मेथी दाना डाला है मैंने ज़ीरे के बाद, और मैं इसमें डालूँगी राई, सरसों जो होती है हमारी राई वो डालूँगी, और मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हींग। उसके बाद ये सारे जब ये सीड्स जो स्प्रकल हो जाएंगे अच्छे से, उसके बाद में मैं इसमें भिंडी ऐड कर दूंगी। तो भिंडी को डालने के बाद में मैं इसको उलट पलट करके, और उसके बाद में मैं इसको थोड़ी देर ढक दूंगी, इसमें ड्राई स्पाइसेस मिलाकर फिर इसको मैं ढक दूंगी थोड़ी देर, ताकि ये अच्छे से गल जाए। और फिर इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या डालूंगी। नमक डाल दिया मैंने थोड़ा सा, अब मैं इसे कुक होने दूंगी। थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक भी डाला है, काले नमक से भी भिंडी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। और रेड चिली पाउडर डाल दिया मैंने, ग्रीन चिली मैं इसमें बाद में डालूंगी, इसमें मैंने थोड़ा कम ही डाला है। और इस तरह से मैं इसको उलट पलट कर थोड़ी देर रख दूँगी। लेमन भी डाल दूंगी थोड़ा सा, और अब मैं इसको ढक दूंगी अच्छे से। जब ये गल गई, मैंने देख लिया इसको कि अच्छे से गल चुकी है, तो अब हम इसमें ये जो हमने वेजिटेबल कट की थी, ऑनियन, टमेटो और ग्रीन चिली, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। और जब भिंडी गल जाए उसी के बाद हम इसको डालते हैं, तो बिल्कुल जो क्रंची जो ढाबे वाली सब्जियों में जो फ्लेवर आता है ना, वैसा इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों इतना ज़बरदस्त लगता है, बहुत टेस्टी लगती है। और इसको बेजड़ रोटी के साथ खाएंगे आज हम, बहुत टेस्टी लगती है ये। इस तरह से आप टमेटो डाल दें, 2-3 मिनट टमेटो को थोड़ा सा गलने दें, और उसके बाद फिर आप इसमें ओनियन डालें, ताकि ओनियन का जो क्रंच है वो लास्ट तक रुके। और ये हो गई हमारी सब्ज़ी, इतनी प्यारी सी गन, इतनी ज़बरदस्त और इतनी टेस्टी लगी थी ये। और जो इसका
जो इसमें ओनियन और टमाटो डले हुए हैं, इनका जो क्रंच आता है ना रोटी के साथ जब हम इसे खाते हैं, चावल रोटी किसी के भी साथ, इतना ज़बरदस्त लगता है, बहुत टेस्टी लगती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। और ऊपर से किचन का जो सबसे स्पेशल चीज़ होती है गरम मसाला, उसको आप स्प्रिंकल कर दें, हरा धनिया डालें। तो मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो मैंने उसको स्किप कर दिया है, आप इसमें हरा धनिया भी डालें, तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो आज के हमारे लंच में है ये, और एक मैं बना रही हूँ चटनी। ये चटनी मेरे किचन में हमेशा अवेलेबल होती है, हमेशा मेरे उसमें फ्रिज में मैं इसको हमेशा रखती हूँ। तो मैंने इसमें रेड खड़ी जो मिर्ची होती हैं वो ली हैं, और लहसुन लिया है, और ज़ीरा लिया है करीब मतलब अच्छा खासा, और ये विनेगर है वाइट विनेगर, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगी और बहुत ही अच्छा सा टेंगी सा खट्टा सा टेस्ट देगी हमारी चटनी को। और फिर ये चटनी हम 8-10 दिन तक रख सकते हैं फ्रिज में। वैसे इतना लंबा मेरे फ्रिज में रह नहीं सकती है, ये ख़त्म हो जाती है जल्दी से, और इसमें हम वाइट सॉल्ट डाल देंगे। तो बस इसके बाद में मैं इसको पुदीना डालकर इसमें, तो मेरे पास हरा पुदीना नहीं था तो मैं सूखा पुदीना ही डालकर इसको पीस लेती हूँ। तो मेरी किचन में ये बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होती है चटनी, दाल में भी मैं इसको डाल देती हूँ, और ऐसे भी खा सकते हैं हम इसे, उसके अलावा दही के साथ भी हम इसे खाते हैं। और बस मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर दूँगी, तो ग्लास कंटेनर में रखेंगे आप तो और अच्छा रहेगा, वैसे कटोरे में भी रह सकती है, ढक के आप रख दें इसको कवर करके अच्छे से। और थोड़ा सा मैं इसी जार में बचा लूँगी, क्योंकि अभी जस्ट लंच पे हम इसको इसका रायता बनाकर खाएंगे, तो सिर्फ इसमें दही डालकर और उसको घुमा लूँगी। और इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच के करीब दही, और उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और ये भिंडी के साथ में एक अच्छा सा रायता तैयार हो गया इंस्टेंट सा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त। और इधर हम लेंगे बेजड़ आटा, जो 8 तरह के अनाज से मिलाकर बनाया हम लोगों ने, और बहुत टेस्टी लगती है और बहुत पौष्टिक और बहुत अच्छी होती है इसकी रोटी। तो मैं ले लूँगी इसको, और मैं इसमें नमक डालकर और इसको बाइंड कर लूँगी इस तरह से। पहले उस बर्तन में कर लिया मैंने, फिर इस तरह से मैं इसको गूंद कर रख दूँगी। जब मुझे रोटी बनानी होगी तब तक ये आराम से सेट हो जाएगा। और ये मैं रोटी बनाने के लिए तवा रख दूँगी, फटाफट से लोई बना लूँगी। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go, all I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. With your love.
साहब का खाना, तो उनको जल्दी से जाके दे देती हूँ क्योंकि उनके कोर्ट का टाइम हो रहा है। बचे हुए को मैं निकाल कर फ्रिज में रख दूंगी, जब मुझे खाना होगा तब गर्म करके खा लूंगी, अभी मुझे भूख नहीं है। और यह है किचन का नज़ारा, मुझे किचन के बर्तन वगैरह धोऊंगी मैं। और आपको आज की मेरी रेसिपी और मेरा ये कैसा लगा क्लिप, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।